या आप अभी खड़े हो जाना तब फोटो भी चलेगा, चलते हो। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन के शत्रुओं का नाश हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो। पिता उनके माता पिता कुछ दिन पहले आए थे कि आप आइएगा बर्थडे पर, जाने लगे वहाँ 200-250 पुलिस कर्मी लगा करके पुलिस छावनी बना दिया गया। और फिर महाराज अपने रथ से एक पत्र लिखा है और वो पत्र योगी जी के नाम है। योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, सन्यासी पहले हैं, महंत पहले हैं। हम सन्यासी होने के नाते आज हम आपके यहाँ जिला हरदोई के और क्या है जगह बाला और यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत बहुत समर्थन है। सभी लोग हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ से रात विश्राम किए थे और यहाँ से हम लोग सीधा पैदल चल के और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे योगी जी महाराज को हम अपने पत्र देंगे और अपनी सारी पीड़ा बताएंगे सन्यासियों का कि किस तरह से हमारे ही सरकार में, हमारे ही सनातनी की सरकार में किस तरह से साधु संत सनातनियों का दोहन। प्रशासन हमारे जो मंदिर का मेन गेट है उस पर गाड़ियां लगाकर उसे पूरा बंद कर देता है। 3 दिन तक पिछले भी लोगों की घटना हुई थी, यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर महाराज जी को नजर बंद कर दिया गया। बाहर ने एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुआ था, महाराज जी वहाँ पहुँचे जैसे तैसे। तो महाराज जी के साथ में ना केवल धक्का कि हमारे मंदिर में जो जेल की तरह रहना पड़ रहा है, वहाँ मंदिर की जो दीवार है वो टूट चुकी है। वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन जो अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मुसलमानों से। महाराज जी कहाँ से निकले हैं आप, कहाँ जा रहे हैं और क्या प्रयोजन है आपका, किससे मिलेंगे जाकर? गाजियाबाद श्री शक्तिधाम दासना देवी मंदिर से हम लोग निकले हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के हम लोग शिष्य हैं और लखनऊ तक जाना है। योगी जी महाराज जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं उनके पास गुरु जी के रक्त से लिखा हुआ पत्र लेकर हम योगी जी महाराज को सौंपेंगे और अपने सनातनियों पर, साधु संतों पर, हमारे गुरुवर पर जो अत्याचार हो रहा है, जो पुलिसिया दमन चक्र चलाकर परेशान कर रहे हैं उनके बारे में अपनी पीड़ा को बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम यति निर्विहानंद गिरी।